सत्ता के युवराज अपने सत्ता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या लगता है आपको? मैं तो बोला युवराज महोदय कितना पढ़े लिखे हैं, एक नाइन्थ फेल व्यक्ति जब एक डीएम को हड़काएगा स्पीकर ऑन करके, कब जब वो नेता प्रतिपक्ष होगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? हम लोग ना 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 हम आपको व्हाट्सएप और सत्ता में आते ही उसी डीएम से उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों के तिरंगा ओढ़े हुए तिरंगा को भी पिटवाएगा और उस लड़का का भी जो है वो सिर फाड़ेगा। और जानते हैं वो लड़का कौन था? ये वही लड़का है जो मोदी का विरोध करके, ये बात एक मान्यता है कि अल्पसंख्यक लोग मोदी का विरोध करते हैं और मोदी को वोट नहीं देते हैं, और एंटी मोदी होने के कारण आरजेडी को उसका फ़ायदा मिल जाता है, उसी अल्पसंख्यक समाज का एक बेटा को पटक पटक करके एसडीएम जो है वो मारा और तिरंगा से बचाव किया तो तिरंगा पर भी मारा, वो आराम से बाइज्जत नौकरी कर रहा है युवराज महोदय के राज में। और डीएम साहब को ये हड़काते थे और स्पीकर ऑन करके खुलेआम जो है वो तालियां बजवाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक जाहिल व्यक्ति जब विद्वानों पर जो है वो राज करेगा तो राज सही से नहीं चलेगा। एक चीज़ आपको याद होगा, मनीष कश्यप जेल जाने से पहले पुलिस और शासक प्रशासन गिरफ्त में आने से पहले लाइव आए थे और बोले थे कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ जेल गया तो 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। और जैसे तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट मनीष कश्यप मामले में थोड़ा सा निरस्त करती है, उसके बाद एनएसए लगा दिया जाता है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जेल में रखने के कारण और ज़्यादा दिन इस मामले में फंसा कर रखने के कारण कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि जल्दी अगर निकल जाता तो 180 दिन में सरकार गिरा देगी। डर तो होना ही है, और डर क्या, एकदम निश्चित रूप से आप देखिएगा मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो सरकार गिर जाएगी, 100% एकदम गिर जाएगी। पूछिए क्यों मानता हूँ मैं, बताइए। चूंकि ये डेमोक्रेसी है और मनीष कश्यप एक जनता है, एक आम जनता है, वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, यूट्यूबर हूँ, कुछ नहीं करते, लोग उनको कहते हैं, कोई उनको पत्रकार कहता है, कोई यूट्यूबर कहता है, कोई समाजसेवी कहता है, कोई संघी कहता है, कोई कांग्रेसी कहता है। जब नरेंद्र मोदी को जब जुमलेबाज बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेसी हैं, जब लालू तेजस्वी यादव को बोल दिए लोग कह रहे थे संघी हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से कहता है, लेकिन मेरी नज़र में वो आम जनता है, आम आदमी है। जितना इस देश के राष्ट्रपति को वोटिंग पावर मिला हुआ है उतना ही मनीष कश्यप को वोटिंग पावर मिला है। तो एक वोटर अगर सही ढंग से ठान ले तो अयोग्य सत्ताशीनों को जब चाहे पदच्युत कर सकती। एक अकेले मनीष कश्यप नहीं है और मनीष कश्यप छोड़ दीजिए, एक अकेला एलवी शाह, एक अकेला एसके पंकज, एक अकेला कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो पूरी सरकार को गिरा सकता है, क्योंकि हम जनता हैं, हम मालिक हैं, सरकार में बैठे हुए नेता लोग हमारे नौकर हैं, इस बात को जान लीजिए। तो वो चाहे तो गिरा सकते हैं, और कैसे गिराएंगे अब हमसे पूछिए। तो चूंकि अपने देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है कि अध्यक्ष महोदय बने रहेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अगर 10 विधायक को जा करके अगर मनीष कश्यप कहेंगे कि आपके सरकार में ये गलती है, या तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो जो भ्रष्टाचार जिन सड़कों पर आपके शिलापट हैं, जिस नाले का आपने फीता काट के उद्घाटन किया है, उसका सारा भ्रष्टाचार मैं घूम घूम करके दिखा दूंगा, तो अगली बार वोट का धज्जिया उड़ जाएगा, तो फिर विधायक जी को तो वोट का डर होगा, तो विधायक जी कहेंगे भाई रहने दो, हम समर्थन ही वापस ले लेते हैं, ठीक है। और ये होता है खुलेआम जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जा करके और पश्चिम बंगाल में स्वीकार कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। गिरा सकते हैं सरकार, कोई भी गिरा सकता है, मैं कहता हूँ मनीष कश्यप ही, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी जनता जो है वो मालिक है, अपने नौकर को जब चाहे हटा सकती है।